मैं हूं बाबा का बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं बाबा का बुलडोजर के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं बाबा का बुलडोजर। मेरा जन्म 1945 में हुआ था। मुझे जेसीबी के नाम से भी जाना जाता है। जॉनसन ने बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन किया। यूपी में 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति गिराई। एमपी में 15,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई। खट्टर सरकार ने दो बड़ी अवैध कॉलोनियों को तोड़वाया। जिस पर भी एफआईआर दर्ज होती है वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर देता है। आपको बता दूं, जेसीबी एक कंपनी का नाम है जो बेकोहो लोडर्स जैसे काफी हैवी इक्विपमेंट्स बनाने का कार्य करती है। आपको बता दें कि मेरा काम गड्ढा खोदना, मिट्टी निकालना, कंस्ट्रक्शन तोड़ना है, लेकिन अब मेरा एक नया रूप सामने आया है। 2017 में योगी की बाबा की सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेरा प्रयोग किया जाने लगा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे लिए भी ये एक नया अनुभव रहा है। के पहले मैं सर्दी, गर्मी और बरसात में सड़क के किनारे खड़ा रहा। मैं आते जाते लोगों को टकटकी लगाए देखता रहता था, लेकिन कोई भी मुझे तवज्जो नहीं देता था। लेकिन आज समय बदल चुका है, लोग मुझे बड़े ध्यान से देखते हैं। खास तौर पर अपराधियों में तो मेरा बहुत खौफ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दौरे में बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन किया है। मैं हूं बाबा का बुलडोजर। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाश, दंगाइयों और माफियाओं पर मेरा प्रयोग करने के बाद मैं बाकी राज्यों में भी पहुंच चुका हूं। आपको बता दूं कि यूपी से चलकर मैं अब तक देश के 5 राज्यों में पहुंच चुका हूं। खरगोन की हिंसा हो या जहांगीरपुरी में हुई हिंसा, हर हिंसा के बाद अवैध निर्माण को तहस नहस करता दिखाई देता हूँ। मैं बाबा का बुलडोजर हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल से अपराधियों के घरों और संपत्ति को नेस्तनाबूद करने के लिए मेरा खूब प्रयोग किया गया। एक आंकड़े के अनुसार अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति गिराने में योगी सरकार मेरा प्रयोग कर चुकी है। यूपी से चलकर सबसे पहले राज्य मध्य प्रदेश में पहुंचा। यहां 2 साल के अंदर गुंडों और भूमाफियाओं से 15,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। आपको बता दें कि इसकी कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। शिवराज सरकार ने भी मेरा खूब प्रयोग करने के साथ ही 188 भूमाफियाओं पर रासुका लगा दी।
1492-498 को तड़ीपार भी कर दिया। हाल ही में खरगोन हिंसा के बाद 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मेरे द्वारा 45 मकान दुकानें ध्वस्त कर दी। यूपी एमपी में ही नहीं बल्कि गुजरात में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी मेरा खूब यूज किया। प्रशासन का कहना था कि आरोपियों ने जो अतिक्रमण किया था उसे गिरा दिया गया है। आपको बता दें कि सिरसा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भी बाबा योगी आदित्यनाथ का तरीका अपना लिया है। खट्टर सरकार ने दो बड़ी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने पर भी मेरा ही सहारा लिया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी इस अभियान से दूर नहीं रह सके। मुख्यमंत्री ने नगवा जिले में जब्त किए गए ड्रग्स पर मेरे द्वारा ही कार्रवाई को अंजाम दिया। तब उन्होंने कहा था उन्हें पता है कि असम के रास्ते पूरे भारत में ड्रग्स सप्लाई होती है। बुलडोजर आप देख रहे हैं की न्यूज़ खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें। घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं
के न्यूज खबरों का सारथी। मैं हूं बाबा का बुलडोजर। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जहांगीरपुरी दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली गई थी, इस शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। आरोप लगा कि एक समुदाय विशेष ने टारगेट किया है। दिल्ली नगर निगम ने इस इलाके में हुए अवैध अतिक्रमण पर मेरे द्वारा ही कार्रवाई को अंजाम दिया। जिस मस्जिद से पथराव की शुरुआत होने का आरोप है, वहां भी यही प्रक्रिया चली। बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। आपको बता दें कि एमसीडी का कहना है कि ये कार्रवाई 11 अप्रैल को होनी थी, लेकिन पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं होने के कारण इसमें समय लगा। पंजा चला चुकी है, ये खोखा को तोड़ते हुए लगातार बुलडोजर जो है, बुलडोजर लगातार अपनी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई कर रही है। डर के हम ले आते हैं, उसी में हम सारा छांट छूट के ले आते हैं, ले आके हम यहाँ पर जमा करते हैं। 2-4 बोरा 5 बोरा होता है, हम छांट के उसी में ही हमारा बच्चा पलता है। नगर निगम मुझे लेकर जहांगीरपुरी पहुंचा। 2.5 घंटे तक मैं अपना काम करता रहा। 400 लोगों को इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान इसी इलाके में दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया था। मेरे साथ सैकड़ों अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। इस बीच एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश का हवाला दिया। कहा कि इन राज्यों में एक संप्रदाय विशेष के लोगों के खिलाफ चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि तोड़फोड़ करने से पहले दिल्ली नगर निगम ने लोगों को सचेत भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इससे पहले कि जहांगीरपुरी स्थित मस्जिद पर तोड़फोड़ होती, कई दुकानें टूट चुकी थीं। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि अब तक उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। जब तक उन्हें कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिल जाता, वे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। इस बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। बढ़ते तनाव के बीच मस्जिद की एक दीवार तोड़ दी गई, उससे सटी कई दुकानों को भी ढहा दिया गया। जो है एमसीडी के किया गया है, यानी इंक्रोचमेंट को हटाया गया था यहाँ से, और जिस तरीके से पैरामिलिट्री हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे रैपिड फोर्स हो, ये लगातार तैनात किया गया है। मैं हूँ बाबा का बुलडोजर।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेकर जहांगीरपुरी पहुंची। उन्होंने पुलिस और निगम के अधिकारियों से आग्रह किया कि इस तोड़फोड़ अभियान को तत्काल रोका जाए। वृंदा करात मेरे सामने खड़ी हो गई ताकि मैं तोड़फोड़ की कार्रवाई आगे न कर सकूं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद मेरे ऊपर सुप्रीम ब्रेक लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जहांगीरपुरी में मेरे एक्शन को 2 हफ्ते के लिए रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा है, इस मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैंने अभी बता दिया है ना, आप दोबारा क्यों रिपीट करवा रहे हैं? मैंने बता दिया सुप्रीम, अब लगने का सवाल नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का है, किसको क्या लगे वो सवाल नहीं है। लोगों को क्या कहना चाहिए? सद्भाव, शांति, बुलडोजर रुक गया है। आपने सुना वृंदा करात जी को कि इनका कहना यह था कि जो बुलडोजर की प्रक्रिया थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो रुक गई है, फिलहाल जो यहाँ पे शांति भाव बना के रखे, इनका यह अपील था वृंदा करात जी का, जो सीपीएम नेता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मेरा प्रयोग अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने के लिए कर रही है। उसके निशाने पर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े लोग हैं। अखिलेश यादव ने ये बात दिल्ली में एमसीडी के द्वारा जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने अवैध निर्माण को मेरे द्वारा ध्वस्त करने पर कही गई। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं, भाजपा मेरे को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। बुलडोजर अखिलेश यादव ने आगे कहा, देश भर में आक्रोश पैदा हो रहा है। आपको बता दें कि भाजपाई गैर कानूनी तरीके से अपने विरोधियों के निर्माण को अवैध घोषित कर मेरे प्रयोग से सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। अब जनता भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण की वैधता की जांच का आंदोलन छेड़ेगी और सच सबके सामने लाएगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, जिसे जीतने के लिए भाजपा ये माहौल बना रही है। इस सब में गरीब हिंदू मुस्लिम पिस रहे हैं। ये लोग संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने भी भाजपा पर निशाना साधा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी पहुंच एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, खुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करने की कोशिश की। ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने जहाँ तक मुझे मालूम है 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम बैलेंस रेगुलेट किया हमने अनऑथराइज। ओवैसी ने कहा, बिना नोटिस दिए गरीब मुसलमानों के घर पर इस तरह के तोड़फोड़ के फैसले पर सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपराधियों और माफियाओं पर मेरे द्वारा वार किया है, उसका काफी असर देखने को मिल रहा है। अब
यूपी में बड़ी संख्या में अपराधी जेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। यही नहीं, जिस पर भी एफआईआर दर्ज होती है वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर देता है। आपको बता दें कि ये तरीका अब देश के बाकी भाजपा शासित राज्यों में भी अपनाया जाने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मेरे सहारे ही भाजपा 2024 के लिए राह बनाएगी? अपराध पर लगाम लगाने के लिए ये तरीका अब बाकी राज्य भी अपना रहे हैं। ऐसा करने से राज्य सरकारें सीधे तौर पर लोगों के बीच चर्चा में आ रही हैं। गुंडे बदमाशों पर इस तरह की कार्रवाई आम लोगों को अच्छी लगती है, इसका पॉजिटिव संदेश जाता है। ऐसे में ये मान सकते हैं कि 2024 चुनाव को देखते हुए भाजपा शासित बाकी राज्यों में भी मेरी रफ्तार और तेज होगी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी की रैलियों में भी लोग मुझे लेकर पहुंचते थे। आपको बता दें कि अपनी रैलियों में योगी माफिया पर मुझे प्रयोग किए जाने का बड़े जोर शोर से प्रचार करते थे। मेरे द्वारा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का ये प्रयोग भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। मेरे ऊपर विराजमान होकर 2022 में भाजपा लखनऊ की सत्ता तक तो पहुंच गई। अब देखना है कि क्या 2024 में भी मेरे पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। स्पेशल डेस्क मधुर दरबारी, के न्यूज इंडिया। बुलडोजर।